देखना जल नहीं जाए। पतिदेव रोड पे बैठ रहे को हम भी आ गए हैं। हेलो गाइस, हम रोड पे मिल रहे हैं। जय साई की सभी को। तो आज का ब्लॉग मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ 9 बजे के बाद। सुबह का सारा काम हो गया है, टिफ़िन वगैरह भी बन गया है नमी का, और अभी मैं नमी की चोटी कर रही हूँ। अभी 9 बज रही है, 9 या 9:30 का टाइम हो रहा था ये। इसके पहले मैंने नमी का टिफ़िन विफिन सब पैक किया था, तो पहले मैंने इसकी चोटी करी फिर टिफ़िन पैक किया था, और उसके पहले खाना वगैरह बनाया था, चाय बनाई थी, और घर का झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कुछ कर लिया था, नहा भी लिया था, सब कुछ हो गया था। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय साईं की सभी को। तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है अभी, मतलब क्या है ब्लॉग में तो आप आगे ही देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि ब्लॉग में क्या है। बाकी आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ वो भी आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उससे पहले मैंने घर का सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा हो गया है, नमी का टिफ़िन बना दिया है। नमी आज स्कूल जाएगी, बिनती नहीं जाएगी, और बिनती क्यों नहीं जाएगी स्कूल वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे, तो देखना आपको पता चल जाएगा क्यों बिनती स्कूल आज नहीं गई है। नमी रेडी हो गई है, वो स्कूल के लिए जा रही है, वो टाटा बाय बाय करने आई है, तो अभी ये स्कूल जा रही है। और मैंने आज नमी के टिफ़िन में बनाया है ये अरवी की सब्ज़ी। इसका टिफ़िन मैंने सबके लिए बना दिया है, क्योंकि अब हमको जाना है बाहर, तो सब लोग यही खा लेंगे। सब्जी रोटी बनी है, और क्या किया आगे बताती हूँ। और जब मैं खाना बना रही थी तब आर्या सूर्या मुझे बहुत परेशान कर रही थी, तो बोली मेरे को स्टैंड पे बैठना है, स्टैंड पे बैठना है, तो उनको स्टैंड पे बिठा लिया था रोटी सेकते सेकते। और ये देखिए, इनको लोगों को तैयार करके हम लोग जा रहे हैं। आर्या सूर्या को किरण दीदी ने तैयार किया था, वो आ गई थी स्टैंड नीचे, तो फिर उन्होंने रेडी कर दिया था, और कपड़े मैंने शायद पहना दिया था, हाँ मैंने पहना दिया था। फिर ये देखिए हम लोग पहुँच गए, और आज हम लोग आए हैं बिनती के स्कूल। आज बिनती का पीटीएम है स्कूल में, पेरेंट्स मीटिंग है, तो बस उसी लिए हम लोग आए हैं। आज इसका रिजल्ट आने वाला है, तो बस कोई देखना है। तो अभी हम स्कूल के अंदर पहुँच गए। कहाँ जा रहे हैं अब? कहाँ जा रहे हैं अपन? कहाँ जा रहे हैं? दीदी स्कूल जा रहे हैं ना? दीदी के स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे आके आर्या सूर्या बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो प्ले जोन बना हुआ था बच्चों का खेलने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे कितने सारे टॉयज़ वगैरह है, गाड़ी है, जिसको देख के बच्चे खुश हो रहे थे। तो पहले हम यहाँ अंदर बैठे, पतिदेव यहाँ कॉपी देख रहे थे, और मैं तो बस अपने काम में लगी थी, वीडियो बना रही थी, थोड़ा बहुत बीच में मैंने भी देख लिया था। फिर उसके बाद बाहर निकले, बाहर निकल के आर्या सूर्या ने यहाँ पर खूब मस्ती करी, यहाँ पर खूब खेला, बिनती ने भी खेला यहाँ पर। बिनती तो रोज़ ही खेलती है, लंच टाइम में वो बोल रही थी मम्मा मैं यहीं पर ही खेलती हूँ, तो वो तो रोज़ ही खेलती, लेकिन फिर भी वो मस्ती उसकी ख़त्म ही नहीं होती कभी भी। और क्या बोलूँ मैं उसके बारे में आपको, और हम लोगों ने क्या क्या किया आगे वो देखने के लिए आप वीडियो पे बने रहे, और देखिए कि हम लोग कहाँ गए। इसके अलावा भी हम कहीं गए थे, और कहाँ गए थे वो देखने के लिए वीडियो पे बने रहे। ये वाला गेम सूर्या को बहुत पसंद है, उसे ये कीड़ा मकाड़ी करना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत इंटरेस्ट लेके काफ़ी टाइम तक खेल लेती है और ये वाला गेम। और फिर इधर देखिए आर्या सूर्या दोनों ही गाड़ी के अंदर घूम रही है। तो अभी बच्चे उन प्ले ग्राउंड में हैं और यहाँ पे खेल रहे हैं। वो आर्या बैठी है और वो सूर्या पापा के साथ में, और बिनती के तो पाँव नहीं टिकते, वो भाग रही है उसके स्कूल में ही, तब भी उसको चैन नहीं है, डर नाम की चीज़ नहीं बिल्कुल भी बिनती में। तो यहाँ देखिए ये लोग खेल रही थी, फिर यहाँ पे भी दोनों जने आर्या सूर्या खेल ली, उनके पापा और बिनती खिला रही थी उनको, और मैं वीडियो उनका लेने में लगी हुई थी। फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद में हम लोग सीधे गए, हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो हमने देखा कि पेरेंट्स लोगों की, मतलब पेरेंट्स लोगों को यहाँ चाय वगैरह भी पिलाते हैं, तो फिर मैंने चाय पिया। पतिदेव मना कर रहे थे वो नहीं पियेंगे, तो मैंने नहीं मैं तो पीऊँगी, तो मैंने पिया। तो मेरे को देख के आर्या सूर्या भी बोली मम्मा हमको पीना है, बिनती बोली मेरे को पीना, मैंने चलो सब लोग पियो। फिर गर्म थी कफ में, अब बच्चे नहीं पी पाते हैं,
छोटे से कप में, प्लास्टिक के कप में, अरे कागज के कप में। तो मेरे पास एक ग्लास था, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ घर से आर्य सूर्य को लेके, तो मेरे पानी की बोतल और एक छोटा सा ग्लास उनका वाला बच्चों वाला वो लेके रखती हूँ। तो उसी में डाल के मैंने इनको चाय वगैरह पिलाया, फिर हम लोग ये फूल वगैरह देखते हुए चले गए ग्राउंड में। फिर ग्राउंड में थोड़ी देर रुकने के बाद में मैंने रील्स वगैरह थोड़ा बनाई, और वो रील्स भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो, बाकी मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो। ये सब करने के बाद फिर हम लोग निकल गए, और हम लोग घर जा रहे थे, तो रास्ते में मेरी चप्पल भी देना था सुधरवाने के लिए, मेरी चप्पल भी टूट गई थी पहले, तो वही चप्पल को मैंने सुधरवाने के लिए यहाँ पे दिया। यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, पति देव का फ़ोन ही नहीं छूटता, इनका तो फ़ोन में इतना आता है कि पूछो ही मत, फ़ोन में बात कर रहे थे, और मैं इन लोगों का वीडियो ले रही थी। थोड़ा बच्चों को प्यास लगी थी तो उन्होंने पानी दिया, पानी पी रहे थे, और फिर यहाँ से हम सीधे घर चले गए। घर जाके मैंने सबसे पहले सबको खाना खिलाया, खुद भी खाना खाया, और यह गुलाब जामुन खा रही है, आधा गिरा रही है, फिर इनका मैंने उठा के खा लिया, खा के बर्तन धो के धर दिया। फिर शाम हो गई, और फिर उसके बाद मैंने एडिटिंग वगैरह भी करी थी एक दो घंटा। फिर एक बजे हम लोग घर पहुँच गए थे, और चार पाँच बजे तक खाना पीना सब कुछ करने के बाद मैंने थोड़ा वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी करी। फिर शाम के 5 बजे मैंने चाय बनाई, थोड़ी देर सबको चाय वाय पी ली, सब लोगों ने पी बैठ कर, और फिर हम लोगों ने आरती करी। आरती करके हम लोग कहीं गए, हमको कहीं जाना था, कहाँ जाना था वो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन अगर बिना आरती करे जाते तो हमारी आरती छूट जाती, इसलिए पहले आरती करके गए। तो अभी 7:15 हो गया है, शाम का टाइम हो रहा है, 7:15 हो गया है, और अब हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट सामान लाने, दिवाली का भी कुछ सामान लाना है, कुछ राशन लाना है, वही सब लेने जा रहे हैं, और कल करवा चौथ है तो उसके लिए भी उनको सामान लाना है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट। और बाहर बारिश हो रही है तो मैंने पति के लिए ले लिया है रेनकोट, और खुद के लिए ले लिया चुन्नी, छाता बोल रहे थे ले ले, पर मैंने लाना आई छाता कौन पकड़े बाइक के ऊपर बैठ के, इसलिए मैंने थोड़ा चुन्नी ले ली कि सर बच जाए थोड़ा बहुत, और बस और कुछ नहीं। चलिए अब आगे क्या कहाँ कहाँ गए ये सब मैं आपको आगे दिखाती हूँ, चलते हैं हम फटाफट से। पहनो पाँव फिर गिला होगा क्या, मतलब पहन लो आप, लो अभी होगी तो छाता लेके क्यों नहीं, मुझे नहीं छाता लेना, इसलिए मैं छाता लेके नहीं आई। पकड़ो छाता ले लेना, नहीं छाता नहीं बोला ना, छाता नहीं ना, मैं छाता नहीं लूंगी, मुझे ऐसे ही चलना। पति देव रोड पे फेर को बारिश हो रही है, तो रेन को आपको पूरा ऐसे डालूंगी वीडियो। चलो पहन लिया रेनकोट, पहन लिया, अब हम जा रहे हैं बारिश में, मैं तो नहीं पहनने वाली भाई, बारिश एंजॉय भी तो करनी है। लो चाबी, बारिश हो रही है, जय साईं बब्बू, और देखो जय साईं की, जय साईं की। तो मैं छाता तो नहीं ली थी, लेकिन मैंने पति के कहने से ही स्टोल लिया था, मतलब मैंने स्टोल ही ले लेते थोड़ा बच जाएगा, तो फिर सिर पर रख लिया था स्टोल, और फिर हम लोग गए थे ताकि थोड़ा बाल वाल बच जाए, ज़्यादा गीला वीला ना हो, इतनी बारिश हो रही थी कि जितना सहन हो जाए, मतलब गीले थोड़ा बहुत हो भी जाएंगे चल जाएगा, इतनी ही बारिश हो रही थी। फिर हम लोग डीमार्ट पहुँच गए, और डीमार्ट में भीड़ भी बहुत थी, पहले से तो कम ही थी, थोड़ी चप्पल गीली हो गई। बैग ऐसे मतलब जिसमें आपके नहीं ले रही हूँ, मैं अपने बैग का ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जब वीडियो ले रही थी अपने बैग का, जब भैया सील कर रहे थे मेरे बैग को, तो वो भैया बोलने लगे मुझे कि आप मेरा वीडियो क्यों ले रहे हो, तो मैंने बोला नहीं मैं आपका वीडियो नहीं ले रही हूँ, मैं अपने बैग का वीडियो ले रही हूँ जो आप कर रहे हो। उससे ज़्यादा मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ इसलिए वीडियो बना रही हूँ, या मेरा चैनल है, मतलब मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, खाली इतना बोला कि मैं अपने बैग का वीडियो ले रही हूँ, मैं आपका नहीं ले रही हूँ। फिर अंदर आए, अंदर चेकिंग वगैरह हुई, उसके बाद अंदर आए, फिर यहाँ पर मैंने कुछ बिस्किट वगैरह लिया बच्चों के लिए, तो ये पैकेट मैंने पतंजलि का एक लिया था, पति तो बोले नहीं एक और ले लो बच्चे खाते हैं तो फिर एक और ले लो, तो मैंने फिर यहाँ पे एक और ले लिया, और फिर यहाँ पे पति देव भी देख रहे हैं ये बिस्किट्स वगैरह, ये क्रीम चॉकलेट वाले बिस्किट है जो भी,
तो ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये बाय वन गेट वन में था, तो वो देख रहे थे कि क्या है कितना पीस है, चेक वेक करके फिर लिया। और यहाँ देखिए भीड़ आज फिर भी कम है पहले के मुकाबले में। एक बार और मैं यहाँ पे पहले आई थी जब उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये देखिए पतिदेव मेरे बैग का इलाज कर रहे हैं, मैं हाथ में टांगे टांगे थक गई थी, तो उन्होंने मेरी जो ट्रॉली थी शॉपिंग वाली उसके अंदर ही बांध दिया। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने सामान खरीदा। तो सबसे पहले ये ना मैदा मैदा ही लिया हमने, और मैदा अभी काम भी आने वाला है, क्या बोलते दिवाली आ रही है तो दिवाली में मैदे बहुत यूज़ होएगा, नमकीन वगैरह बनाना है, तो बहुत सारी जगह और भी चीज़ें क्या क्या करूँगी वो तो आपको लोगों को ब्लॉग में मैं दिखाई दूँगी। अभी देखिए यहाँ सब सामान वामान लेकर हम लोग बाहर निकले, तो यहाँ पर अभी बिल बन रहा है पतिदेव का, अब जेब खाली होने वाली है। पकड़ा रही हूँ अंदर से और बाहर रख रहे हैं, तो पहले भी दे रही हूँ कुछ चावल, अरे बाप रे भारी है कुछ। छोड़ो मैदा कर देना था, शक्कर ये लो, ये शक्कर, ये शक्कर है कर चावल, चावल एक और होगा। हाँ फिर इतना सारा सामान था, तो पहले हम लोग घर गए, घर जाके सारा सामान रखा, फिर वापस से हम लोग यहाँ पे आए। मेरा करवे का सामान लेना था, करवा अरवा मेरे को लेना था इसलिए मैं आई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था कुछ, तो बच्चे लोग ने घर पे ही खा लिए थे, उन्होंने ऑर्डर कर लिया था तो उन्होंने वहाँ खा लिया था। फिर हमने यहाँ पर पानी पूरी खाई, और पानी पूरी खा के फिर उसके बाद हम लोग चले गए सीधे मार्केट में। मार्केट में जाके हम लोगों ने करवा वगैरह ख़रीदा, जो भी मेरा पूजा पे का सामान था मुझे चाहिए था वो सब हम लोगों ने ख़रीदा। तो जब ख़रीद के हम वापस घर जा रहे थे, तो मुझे मेरे दोनों भाई मिल गए थे रास्ते में, और फिर हम लोगों ने उनसे बातें करी, तो वो देखिए मुझे क्या क्या बोल रहे हैं। हम भी आ गए हैं, हेलो गाइस, हम रोड पे मिल रहे हैं, घर जा रहे हैं, हम घर नहीं जाएंगे, हमारी बहन ने मना कर दिया हमको घर आने के लिए। थप्पड़ मारा मैं, झूठ बोलेगा था, बहुत झूठ बोलता है, गंदा लड़का है। इसलिए अब की मैं गया था ना, तुमने अकेले नहीं गया, उसको तुम थप्पड़ मारना चाहिए ना, मेरे को नहीं मारना चाहिए, ये बेकार वो है, मार भी दूंगी। तो फिर उसके बाद भाई उनसे बात करते हुए भाई लोग अलग रास्ते पे चले गए, हम अपने अलग रास्ते पे घर की तरफ चले गए। तो यहाँ पे रुक के पहले हम लोगों ने सैंडविच खाया एक प्लेट, मैंने यहीं पर इसलिए खाया क्योंकि 11 बज गई थी और 12 बजे के बाद में मैं कुछ खाने वाली नहीं थी, मेरा उपास था करवा चौथ का। और फिर बच्चों के लिए भी ले लिया था हमने, तो बच्चे उन्होंने भी ज़्यादा नहीं खाएंगे इसलिए थोड़ा बहुत ही लिया था, क्योंकि उन्होंने पहले ही खा लिया था। तो फिर घर लेके आई, घर पे इन लोगों को सबको दिया, सब लोगों ने खाया, और मैंने ढेर सारा पानी पिया क्योंकि कल से करवा चौथ का बुलाते, तो पहले ही पानी पी लिया। यहाँ पर आ रही है मेरा करवा चौथ का सामान मांग रही थी, और ये देखिए इसने मेरा बॉडी लोशन भी पूरा ढोल दिया। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, और इस तरीके के ब्लॉग देखने के लिए मुझे ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।